यदि आप भी भारतीय टीम को विश्व विजेता बनते देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दीपक चहर ने करी मांकड़ करने की कोशिश तो पूरे स्टेडियम में मच गया बवाल, जिस पर कप्तान रोहित की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो क्या है ये वाक्य और क्या किया दीपक चहर ने जिससे अफ्रीकी टीम में दहल का मच उठा, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या दीपक चहर को विश्व कप में मौका दिया जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला अपनी रोमांच की सारी हदें पार कर चुका है, जहां इंदौर के मैदान पर एक बार फिर दीपक चहर ने रविचंद्रन अश्विन और दीप्ति शर्मा की याद दिला दी है। जी हां, आपको बता दें, अफ्रीका टीम ने 15 ओवर में 160 रन बना लिए थे, जहां क्रीज पर राइलो रूसो और ट्रिस्टन स्टब्स मौजूद थे। आपको बता दें कि 68 रन बनाकर विस्फोटक पारी खेल रहे थे, तभी पारी का 16वां ओवर कराने आए कि दीपक चहर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मैदान में मौजूद हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, दीपक चहर ने जैसे गेंदबाजी की शुरुआत की, उस वक्त ट्रिस्टन स्टब्स दूसरे छोर पर मौजूद थे, वहां गेंद डिलीवरी करने से पहले क्रीज से काफी आगे निकल गए थे। इसे दीपक चहर ने भाप लिया और उन्होंने अपनी गेंदबाजी रोककर स्टब्स को माकड़ करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और वो सिर्फ उन्हें डरा रहे थे और उन्होंने क्रीज के पीछे रहने की कह रहे थे। दीपक चहर का यह अंदाज देखकर रोहित भी हैरान रह गए, जिसके बाद उनकी हंसी निकल गई, लेकिन बैट्समैन के तो पसीने छूट गए थे। हालांकि दीपक चहर ने जिम की स्पेलिंग दिखाते हुए उन्हें आउट करना सही नहीं समझा और उसके बाद खेल को दोबारा शुरू किया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दीपक चहर जसप्रीत बुमराह के बेहतरीन रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं या नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।